कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने एक बार फिर पूरी दुनिया में सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। धीरे धीरे करके ये वेरिएंट कई देशों तक पहुंच चुका है। WHO ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रोन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसी के साथ राहत की खबर ये भी दी है कि इस वेरिएंट के कारण अभी तक किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। WHO ने कहा कि अभी भी ओमिक्रोन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ WHO ने चेतावनी भी दी है कि ये निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। भारत में भी ओमिक्रोन के मामलों की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। इसी के बाद सरकार भी कई नियमों को लेकर काफी सख्त हो गई है। ओमिक्रोन के बारे में पहली बार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया था। इससे संक्रमित व्यक्ति का 9 नवंबर को सैंपल लिया गया था। 26 नवंबर को WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रोन का नाम दिया था। WHO का साफ कहना है कि जो उपाय हम अब तक लेते आ रहे थे, उन उपायों से इस नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है, जैसे कि मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी, इंडोर स्थान का वेंटिलेशन, भीड़ से बचना और हाथ की स्वच्छता COVID-19 के संचारण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि उभरते हुए वेरिएंट से बचने के लिए भी ये प्रभावी उपाय है। वहीं अगर भारत में रोजाना सामने आ रहे कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,603 नए केस सामने आए हैं। वहीं 415 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,40,53,856 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 126 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीते दिन ओमिक्रोन के 12 संदिग्ध मरीजों को भर्ती करवाया गया था, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वे नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर 2 दिन पहले ही मीटिंग कर दी गई थी, हमारी इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी तैयारी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से सरकार को घेर कर ये बात भी कही कि सरकार को फ्लाइटें पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी। अगर हम पहले ये कर लेते तो देश में ओमिक्रोन को आने से रोका जा सकता था। आईएनएस रिपोर्ट।